Hello friends, this is our next video on partnership. Let us start with the questions. A and B start a business with rupees 16,000 and 15,000. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 and B invest rupees 5,000 more. And C join the business with rupees 21,000 next after 3 months. If the total profit is rupees 24,900, then find the share of C. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ए जो है 16,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी जो है 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, लेकिन 3 महीने के बाद क्या होता है, ए जो है 5,000 रुपये निकाल लेता है और बी जो है 5,000 रुपये और इन्वेस्ट करता है, और जो सी है वो बिजनेस को शुरू करता है नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स. दैट मीन्स जब 3 महीने बाद बी ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और 3 महीने बाद जो है ए ने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, उसके 3 महीने बाद 6 इन्वेस्ट करता है कितना, 21,000 रुपये. इसका मतलब जो सी ने है 6 महीने के लिए 21,000 रुपये इन्वेस्ट करे. तो हमें ये बताना है, अगर उनका टोटल प्रॉफिट जो है 24,900 रुपये है, तो हमें ये बताना है कि जो है शेयर जो है सी का कितना शेयर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी. ए इन्वेस्टेड रुपीज 16,000, बट ए ने क्या किया, ए ने जो 16,000 रुपये हैं 3 मंथ्स के लिए लगाए, बिकॉज आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ रुपीज 5,000. दैट मीन्स ए इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स एंड आफ्टर विड्रॉइंग 5,000 द रिमेनिंग मंथ्स आर 9, क्योंकि जो प्रॉफिट है हम उसको कंसिडर करेंगे, ये 1 साल का प्रॉफिट है और यहाँ पे जो टाइम है इसको एज्यूम करके चलेंगे कि ए बी सी ने जो है 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया मनी को. अब बी ने क्या किया, बी ने इनिशियली 15,000 इन्वेस्ट किए फॉर 3 मंथ्स, बट आफ्टर 3 मंथ्स बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर. For how many months? For 9 months. And C invested rupees 21,000 after 3 months. That means C invested 21,000 rupees for 6 months. So here we'll find the ratio of A, B, C. It comes out 48,000. Get cancelled out. And the ratio of ABC, that is 147 is to 225 is to 126. So what we have to find? We have to find the share of C. So C will get out of 147 plus 225 plus 126 into 2490. So here we get the ratio of ABC, that is 48,000 plus 99,000, here 45,000 plus 246 out of 498 multiplying with the total profit that is 24,900 and the share of C that comes out to be rupees 6,300. हमने क्या किया,
हमारे पास हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट किया. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए और बी जो है इनिशियली 16,000 और 15,000 रुपये लगाते हैं 3 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद क्या होता है कि ए जो है 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है. इसका मतलब जो ए जो है 16,000 रुपये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और जो 11,000 है वो रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है. सिमिलरली फॉर बी जो है इनिशियली 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 मंथ्स के लिए, बट आफ्टर 3 मंथ्स he invested 5,000 rupees more. That means B invested 20,000 rupees for 9 months and C invested rupees 21,000 next after 3 months. जब B और A ने पैसे withdraw और deposit करवाए तो C ने क्या हुआ, उसके 3 महीने बाद 21,000 रुपये और invest किए. इसका मतलब क्या हुआ, जो C ने है 21,000 रुपये 6 महीने के लिए invest किए. अब हमने यहाँ से A B C का ratio find out कर लिया, that comes out to be 147:225:126. अब हमें क्या करना है, हमें सी का शेयर फाइंड आउट करना है. जब सी का शेयर फाइंड आउट किया तो हमारे पास कितना आया, सी का शेयर 6,300 रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी. एज द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ए एंड बी इनिशियली इन्वेस्टेड रुपीज 16,000 and 15,000 फॉर 3 मंथ्स. That is, A invested 60,000 rupees for 3 months and after 3 months, A withdrew rupees 5,000. That means, 16,000 minus 5,000, that is 11,000. That means, A invested 11,000 rupees for remaining 9 months. Similarly, for B, initially B invested rupees 15,000 for 3 months and after 3 months, B invested 5,000 more. That means 15,000 plus 5,000 into 9. That means B invested rupees 20,000 for 9 months. And next after 3 months, C invested rupees 21,000. That means C invested 21,000 rupees for 6 months. हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, इनिशियली जो है ए ने 16,000 रुपये लगाए 3 मंथ्स के लिए और जो बी ने है 15,000 रुपये लगाए 3 मंथ्स के लिए, लेकिन उनके 3 मंथ बाद सी ने क्या किया, 21,000 रुपये लगाए. ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हम 12 मंथ्स लेके चलेंगे या 1 ईयर लेके चलेंगे क्योंकि प्रॉफिट जो है हम 1 ईयर के बाद ही काउंट करते हैं. तो अब जो है ए ने 3 मंथ्स के लिए 16,000 रुपये लगाए, लेकिन उसके बाद ए ने क्या किया, 3 मंथ्स के बाद 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. इसका मतलब जो है रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 11,000. और बी ने क्या किया, बी ने इनिशियली 15,000 इन्वेस्ट किया था 3 मंथ्स के लिए, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स बी ने 5,000 रुपये और डिपॉजिट किए. इसका मतलब जो बी ने है 20,000 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए 9 मंथ्स के लिए, और उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद सी ने इन्वेस्ट किए रुपीज 21,000. इसका मतलब जो सी ने जो है 21,000 रुपीज इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए. अब जो है हम फाइनल रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. हियर इट कम्स आउट टू बी 48,000 प्लस 99,000 रेशियो 45,000 प्लस 147. Finally, we get the ratio of ABC that comes out to be 147:225:126. Now, what we have to find, if the total profit is rupees 24,900, we have to find the share of C. So, C will get out of 498. Adding these values, that is A plus B plus C, and multiplying with the total profit, that is 24,900. And here we get the share of C, that is rupees 6,300. So the next question is, A and B started a business with rupees 50,000 and 20,000. If A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary and the remaining profit is divided according to their capital, if in this process A received 38,000 rupees more than B, then find the amount of total profit.
हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और ए ने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपये इनिशियली और बी ने जो इन्वेस्ट किए 20,000। जो ए जो है हमारा वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे क्या है 20% जो है टोटल प्रॉफिट का एज ए सैलरी मिलता है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है दोनों में उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ए को जो है 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं बी से। हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कितना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 20,000, द रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज 5:2। नाउ व्हाट वी सपोज इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 100, टोटल प्रॉफिट रुपीज 100, and what the second statement says, if A is working partner and takes 20% of the total profit as a salary, and we suppose total profit is 100 rupees and A get 20% of this profit, that means the remaining profit is 20% of 100 is rupees 20, that means remaining profit is 80. This 80 should be divided between the capital invested by A and B in the ratio that is 5:2. Now, A received rupees 38,000 more than B. A जो है 38,000 रुपये ज़्यादा लेता है B से. Now the gap between the ratios between A and B is 3 units. Now A will get out of 7. This is the gap between A and B, that is 3/7 × 80 plus 20. That must be equal to 38,000. और directly आप ये भी कर सकते हो यहाँ से, A will get 5/7 × 80 minus 2/7 × 80. मैंने direct यहाँ पे ऐसे कर दिया 3/7 × 80। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि question में ये बोला गया है कि A को जो है 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं B से। हमने क्या किया, जो A और B का जो ratio है उनका gap कितना है 3 units out of 7, और जो है हमारा remaining profit कितना है 80, यही divide होगा। But A को क्या मिल रहा है, 20% extra मिल रहा है, क्योंकि वो एक working partner है। अब इसको हम solve करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 240/7 प्लस 20 इज इक्वल टू 38,000, 240 प्लस 140/7 इज इक्वल टू 38,000। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 unit मस्ट बी इक्वल टू 700 एंड द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 100, दैट मीन्स 100 unit मस्ट बी इक्वल टू 70,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने ए और बी का रेशियो जो है फाइंड आउट किया। रेशियो कितना आया ए और बी का, 5:2। अब हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 100 रुपीज़ है। बस इस 100 रुपीज़ में से क्या होता है कि जो है ए जो वर्किंग पार्टनर है 20% तो वो ए लेके चला जाता है, क्योंकि वो एक वर्किंग पार्टनर है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो ए और बी की जो कैपिटल उन दोनों ने इन्वेस्ट किया है उसमें डिवाइड होता है। लेकिन अब लास्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि ए को ना 38,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं बी से। इसका मतलब जो ए और बी की जो रेशियोज का गैप है वो कितना है, 3/7, या आप डायरेक्टली यहाँ से निकालोगे तो भी यही आएगा, 5/7 × 80 माइनस 2/7 × 80, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3/7 × 80 प्लस 20। ये 20 क्या है, जो ए को एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, और ये जो है हमारा इक्वल होगा किसके, 38,000 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 unit किसके इक्वल आता है, 700 के, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, कितना है यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था वो 100 है। अगर 1 unit रिप्रेजेंट कर रहे हैं 700 को, तो 100 unit किसको रिप्रेजेंट करेगा, 70,000 को। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है जो हमसे पूछा गया था। Now the another way to solve this question. Now the total unit that is 7 and A get 20%. A जो है 20% मिलता है उसे total profit का, that means 20/100, that means equal to 1/5. तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि total profit को assume कर लेते हैं जो multiple हो 7 का और 5 का, that is take total profit must be equal to 35.
एंड ए विल गेट 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी. लेकिन अब हमने टोटल प्रॉफिट जो है 35 एज्यूम किया है, तो 35 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 रुपीज. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा, वो कितना है, रुपीज 28. नाउ दिस 28 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द रेशियो 5:2. हेयर ए विल गेट रुपीज 20 एंड बी विल गेट रुपीज 8. नाउ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए, और यू कैन से टोटल सैलरी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 20 + 7, that is equal to 27. Now what the last statement says, last statement says A received rupees 38,000 more than B. जो A को है 38,000 रुपए ज़्यादा मिलते हैं B से. अब A को जो total मिलता है, कितना मिलता है यहाँ पर हमारे according 27, और B को कितना मिलता है 8 रुपीज. जो gap है A और B का यहाँ पर कितना है, 27 - 8, that is equal to 19. This 19 unit will represent rupees 38,000. And one unit will represent rupees 2000, and we assume the total profit is rupees 35, and 35 unit will represent rupees 35 × 2000, that must be equal to 70,000. हमने क्या किया, अभी जो टोटल जो है रेशियोज, वो जो उनका टोटल है, जो सम है, वो कितना है 7, और जो 20% जो है ए को मिलता है टोटल प्रॉफिट का, तो हमने एक ऐसा नंबर मान लिया प्रॉफिट जो 7 का और 5 का मल्टीपल हो. हमने मान लिया जो टोटल प्रॉफिट है हमारा 35 है. अब ए को जो है 20% मिलता है इस टोटल प्रॉफिट का, तो ए को कितना मिल गया एक्स्ट्रा, 7 रुपीज. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हमने ए और बी के रेशियोज में डिवाइड कर दिया. यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है 20 रुपीज, और बी को कितना मिल रहा है 8 रुपीज. जो है ए का टोटल प्रॉफिट कितना होगा रुपीज 27, और बी का कितना है 8. अब ये जो गैप है इनके बीच में कितना है 19, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है हमारे को 38,000. इसका मतलब ये 19 यूनिट जो है रिप्रेजेंट करेगा 38,000 को, और वन यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को. सिमिलरली जो अब हमने जो प्रॉफिट एज्यूम किया था वो कितना था, 35 यूनिट. जो 35 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल प्रॉफिट को, दैट मस्ट बी इक्वल टू 70,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A invest 1/6 part of the total capital for 1/6 time, and B invest 1/3 part of the total capital for 1/3 time, and C invest the rest capital for full time. If the total profit is rupees 23,000, then find share of B. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A जो है टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट जो है इन्वेस्ट करता है 1/6 टाइम के लिए. अब बी जो है टोटल कैपिटल का 1/3 पार्ट इन्वेस्ट करता है 1/3 टाइम के लिए, और सी जो है इन्वेस्ट करता है रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर फुल टाइम. जो सी जो है, जो बची हुई जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करता है पूरे टाइम के लिए. हमें टोटल प्रॉफिट जो है कितना हुआ उनको, 23,000 हुआ. हमें शेयर बताना है किसका, बी का. नाउ इन दिस केस वी एज्यूम द टोटल कैपिटल दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 and 3. सिमिलरली फॉर टाइम वी एज्यूम द टाइम दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 and 3. सो हेयर वी एज्यूम टोटल टाइम दैट इज 6 months, और यू कैन से 6 days, 6 months, एंड द टोटल कैपिटल वी एज्यूम हेयर दैट इज 6 rupees 6. नाउ व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 टाइम. जो हमारा ए है वो इन्वेस्ट करता है 1/6 ऑफ द कैपिटल. सो 1/6 ऑफ 6, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर 1/6 ऑफ द टाइम. नाउ वी अज्यूम द टोटल टाइम इज 6 months, दैट मीन्स 1/6 ऑफ 6 इज, दैट इज 1. एंड सिमिलरली बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, 1/3 ऑफ 6, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 फॉर 1/3 टाइम, एंड द टाइम इज 6 months, एंड 1/3 ऑफ 6, दैट इज 2. एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल. नाउ द रिमेनिंग कैपिटल इज 1 + 2, दैट इज 3. 6 - 3, दिस इज द रिमेनिंग कैपिटल. फॉर हाउ मच टाइम, फॉर फुल टाइम. फुल टाइम इज 6 months. Now here we get the ratio of ABC, that is 1:4:18.
हमने क्या किया, हमने मान लिया जो हमारा टोटल टाइम है वो 6 months है और टोटल कैपिटल है वो हमारे 6 रुपए है. जो हमारा जो टाइम और जो कैपिटल हमने एज्यूम किया है वो मल्टीपल होना चाहिए 6 का और 3 का, क्योंकि जो है हमारा ए जो है 1/6 पार्ट लगाता है कैपिटल का 1/6 टाइम के लिए, बी जो है 1/3 पार्ट लगाता है कैपिटल का 1/3 टाइम के लिए, और जो सी जो है जो बची हुई कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करता है फुल टाइम के लिए जितना टाइम अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया है. तो यहाँ से हमने ए और बी सी का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 1:4:18. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट इज ₹23,000. देन सी विल गेट, सॉरी बी विल गेट आउट ऑफ 23, एडिंग 1 + 4 + 18 दैट इज 23 × 23,000, दैट मीन्स बी विल गेट रुपीज 4,000. This is a share of B. Now the next question is, A and B are two partners with capital ₹50,000 and 70,000 and agreed that 70% of the total profit should be divided equally between them and the remaining profit is divided in the ratio of their capital. If one partner gets ₹90 more than the other, find the total profit. हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी दो पार्टनर है, ए जो है 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी जो है 70,000 रुपये इन्वेस्ट करता है. जो टोटल प्रॉफिट है हमारा उसका 70% जो है दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उनके कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है. और जो एक पार्टनर को है ₹90 ज़्यादा मिलते हैं दूसरे के कंपैरेटिवली. अब हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट इज 50,000 and 70,000, that is 5:7. And we suppose the total profit is ₹100. Now 70% of this profit is divided equally between them. अब जो 70% profit है वो तो इनके बीच में क्या होता है, equally divide हो जाता है. And the remaining profit is, that is 30. Now this 30 is divided between the ratio of A and B. That is 5:7. Now what the last statement says, if one partner gets ₹90 more than the other, that means the gap between these two is, you need to out of 12 × 30, that must be equal to 90. Here 5 unit must be equal to 90 and one unit must be equal to ₹18. Now we have to find the total profit and we assume the total profit is ₹100. If 1 unit represent ₹18, then 100 rupees will represent, 100 unit will represent ₹1800. So our total profit kitna aaya, 1800 rupees. Now next question is, A, B and C entered into a partnership in a business. A got 3/5 of the total profit and B and C distributed remaining profit equally. If C got ₹400 less than A, find the total profit. A, B, C जो है कोई business start करते हैं, A को जो है total profit का 3/5 मिलता है और B और C जो है remaining profit को equally distribute कर लेते हैं. जो C है उसको 400 रुपये कम मिलते हैं A से, हमें total profit बनाता है. So here we consider the total profit is ₹5 and A got 3/5 of this profit, that means 3/5 of this profit is ₹3 and the remaining profit is divided between B and C equally and the remaining profit is ₹2, that is divided between B and C equally, that is 1:1. Now what the statement says, statement says if C got ₹400 less than A, now the gap between A and C is 2 unit, this 2 unit represent ₹400 and 1 unit will represent ₹200 and the total profit is ₹5 and the 5 unit will represent 200 × 5, that is equal to ₹1000. हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, हमने मान लिया कि जो टोटल प्रॉफिट है हमारा 5 रुपीज़ है. अब ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ए जो है ए को टोटल प्रॉफिट का 3/5 पार्ट मिलता है. अब जो टोटल प्रॉफिट है अगर 5 है तो उसका 3/5 कितना होगा, 3 होगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है हमारा, 2 यूनिट. अब ये जो 2 यूनिट है वो डिवाइड हो जाएगा बी और सी के अंदर इक्वली, दैट इज 1:1. अब जो लास्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है
कि जो है ए को 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं सी से या जो है सी को 400 रुपए कम मिलते हैं ए से। इसका मतलब ए और सी के बीच में गैप कितना है यहाँ पर 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करेगा 400 रुपीज का डिफरेंस को और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 200 को। लेकिन हमने टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम किया था 5 रुपए, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 1000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो 3:2। दे डोनेटेड 5% ऑफ देयर प्रॉफिट इन द चैरिटेबल ट्रस्ट। ए गॉट रुपीज 855 एज द प्रॉफिट। फाइंड देयर टोटल प्रॉफिट। ए और बी किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 3:2 रेशियो के अंदर, और वो जो है अपने टोटल प्रॉफिट का जो 5% हिस्सा है ना वो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डोनेट करते हैं, और ए को जो टोटल प्रॉफिट मिलता है 855 रुपये मिलता है। अब हमें टोटल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो बिटवीन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन ए एंड बी दैट इज 3:2। लेट अस सपोज द टोटल प्रॉफिट इज ₹100। And 5% of this profit is donated in the charitable trust. That means 5% of 100, that must be equal to 5. And the remaining profit is ₹95. Now this 95 must be divided in the ratio of A and B, that is 3:2. And A will get out of 5 multiplying with the 95, that is equal to 57 unit. Now this 57 unit will represent ₹855, and 1 unit will represent ₹855 divided by 15, that is equal to 15. Now 1 unit equal to ₹15, and 100 unit will represent equal to 15 into 100, that is equal to ₹1500. हमने क्या किया, हमने मान लिया टोटल प्रॉफिट जो है हमारा 100 है, 5% जो है डोनेट कर दिया हमें चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 95, ये डिवाइड होगा जितनी रेशियो में उन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। अब ए को कितना मिलेगा आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाइंग विद द 95, दैट इज 57 यूनिट। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन कितना है, ए को जो टोटल प्रॉफिट मिलता है कितना मिलता है 855 रुपये। इसका मतलब जो 57 जो यूनिट आया हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा 855 रुपीज़ को, 1 यूनिट जो है इक्वल होगा 15 रुपीज़ के, और जो टोटल प्रॉफिट है कितना हमने 100 एज्यूम किया, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा ₹1500।